हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। आज हम डिस्कस करने वाले सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कहते नहीं है मार्केट में मिथ्स होता है, ठीक है। मिथ्स, हर चीज का मिथ्स होता है कि देखो इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट 7-8 मिथ है, उसको हम दूर करेंगे। बहुत सारे फाउंडेशन स्टूडेंट को यहाँ पे मिथ्स होता है, ठीक है। फाइनेंस वाले को तो आइडिया हो जाता है, भैया ये मिथ्स सारे मिथ्स बचपन में ही दूर हो जाते हैं हमारे, मतलब इंटर तक दूर हो जाते हैं, ये सारे मिथ्स ही होते हैं, क्योंकि फाइनल तक आते आते ना बच्चा हमारा विकसित हो चुका होता है, ठीक है। तो मैं इस सारे क्वेश्चन, सारे मिथ्स का आंसर दे सकता हूँ। क्या CA कोर्स में लिटरली ऐसा होता है? क्योंकि एज बोलते नहीं, एज ए स्टूडेंट से लेके एज ए मेंबर तक की जर्नी, एंड मेंबर के आगे जो मैंने प्लेसमेंट में बैठा, मैंने प्लेसमेंट दिया, तो एक पूरा जर्नी मैंने देखा है। तो ये सारे मिथ्स का मैं क्लियरली आंसर दे सकता हूँ, और ये वीडियो सबके लिए भाई, एक बार मिथ्स देख लेना। ये मिथ्स मार्केट में बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पे बन रखे हैं, तो बहुत सारे वीडियोस के एनालिसिस पे और मेरा भी पर्सनल एनालिसिस पे मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो सर, सबसे पहला मिथ, क्या CA करने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए? सर ये सबसे बड़ा मिथ है, क्या CA करने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, मतलब बेस्ट होनी चाहिए, तब भी आप CA कोर्स कर सकते हो कॉमर्स बैकग्राउंड से? सर सच बताऊं, बिल्कुल नहीं। सच बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं। सर मेरी इंग्लिश अगर आप 100 में करोगे ना, मेरी इंग्लिश कहीं ना कहीं 20-30 पॉइंट्स के रेंज में आएगी। अगर 100 पॉइंट्स का पॉइंट टेबल लिखाओगे, मेरी इंग्लिश उसमें 20-30 के बीच में आएगी सर, लिटरली 20-30 के बीच में आएगी। सर क्या आपकी इंग्लिश एकदम बेस्ट चाहिए CA करने के लिए? भाई ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी इंग्लिश एकदम बेस्ट चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है, मतलब सिंपल मैं बताऊं, अगर आपको समझ आ रहा है, आपको लिखने आ रहा है, जरूरी नहीं है हाई फाई इंग्लिश बोलने आ रहा, तभी आप CA कर सकते, तभी CA क्वालिफाई करोगे, तभी होगा, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ाता भी हूं ना भाई, तो कभी कभी शुद्ध हिंदी लिखता हूं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मिथ है कि भैया इंग्लिश एकदम बेस्ट होगा तभी जाके आप CA क्वालिफाई कर पाओगे, बिल्कुल मिथ है, इसको निकाल देना। अगर आपकी एवरेज इंग्लिश है, मैं बताऊं, अगर आपको समझ आ रहा है, ठीक है, और आप लिख पा रहे हो इंग्लिश, तो ठीक ठाक है, फिर आप फिर CA क्वालिफाई हो सकता है। तो पहला मिथ निकाल देना कि एकदम इंग्लिश फरट्टेदार इंग्लिश चाहिए, बोलने वाली एकदम मस्त, तुम लिखते हो इंग्लिश एकदम टॉप ग्रेड में, ग्रामर आता हो, तभी तुम CA क्वालिफाई कर सकते हो। भाई मेरी ग्रामर मिस्टेक्स देख लेना कभी जाके, बहुत सुधारा है मैंने, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक टाइम से ना ये सुधर जाएगा आपका। अगर कुछ एकदम खराब भी आपकी इंग्लिश है ना, तो ये फील्ड ऐसा है ना, प्रोफेशनल फील्ड ऐसा है ना, जहाँ आप बैठोगे, लोगों से बात करोगे, ये कोर्स को जानोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो एकदम बेस्ट चाहिए, ऐसा नहीं है, मिथ है। क्या सर मैथ्स वाले ही CA क्वालिफाई कर सकते हैं? भैया मैथ्स आपका सिर्फ CA फाउंडेशन तक है, सही बता रहा हूं, मैथ्स आपका सिर्फ CA फाउंडेशन तक है। फाइनेंस में आपको SFM में कैलकुलेशन मिलेंगे, कुछ जगह फॉर्मूलाज है, बट वो मैथ्स कहते नहीं है, मेन जो मैथ्स होता है ये हमारा CA फाउंडेशन तक ही है। सर इसके बाद मैथ्स नहीं है, सर दोस्त मैथ्स नहीं है, इसके बाद कैलकुलेशंस है, उसको कैलकुलेशन बोलते हैं, जो आपको SFM में करना होता है ना, और आपको अकाउंट्स में करना होता है ना, वो एक तरह से कैलकुलेशन है। तो मैथ्स आपका यहीं तक है, तो सर जिसके पास मैथ्स होगा वही CA बन पाएगा? भाई ऐसा नहीं है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से मैं भी बिलोंग करता था, मैंने भी मैथ्स में बस 15-20 मार्क्स चाहिए थे, उतना पढ़ लिया, मेरे को पता था आगे जाके मैं आग लगा सकता हूँ, मैंने लगाया। तो बस सिंपल है, जो स्पीड ब्रेकर है उसको प्यार से आगे बढ़ जाओ वहां से, मतलब मैथ्स में आपको डाउट लग रहा है तो इतना पढ़ लो, कम से कम पास तो हो जाओ, ठीक है। इसके बाद ये मैथ्स नहीं है, इंटर में मैथ्स नहीं है, फाइनल में ही मैथ्स नहीं है। SFM में थोड़ा आपको लगेगा मैथ्स जैसा, बट वो उतना हार्ड मैथ्स नहीं होता है, ठीक है, इजी वाला कैलकुलेशन होगा, ठीक है। चलो सर, फर्स्ट में तो आपको दूर हो गया कि इंग्लिश नहीं भी बढ़िया है तो चलेगा, एवरेज है तो चलेगा, ठीक है। सेकेंड क्या, क्या सर अटेम्प्ट मैटर करते हैं? क्या CA में अटेम्प्ट मैटर करते हैं? इसका मैं आंसर डायरेक्ट नहीं दूंगा, इसका मैं आंसर दो वे में दूंगा, ठीक है। क्या CA में अटेम्प्ट मैटर करते ही नहीं करते हैं? सर अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, क्या बोला मैं, अगर आप CA जॉब के लिए जा रहे हो और आपने प्लेसमेंट डाला है, जो आप CA बनने बाद है ना प्लेसमेंट आता है, वहां पे प्लेसमेंट डालोगे ना, तो आपसे पूछेगा कि आपके फाउंडेशन में कितने अटेम्प्ट लगे, आपके इंटर में कितने अटेम्प्ट लगे, आपके फाइनेंस में कितने अटेम्प्ट लगे। तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट करने टाइम है ना, वहाँ पे आपको फॉर्म भरने समय कहीं ना कहीं वहाँ पे अटेम्प्ट मैटर्स, बट प्लेसमेंट करने टाइम, सिर्फ प्लेसमेंट टाइम, हो सका आप दूसरा जगह अपनी बात कर रखे हो, वहाँ पे अटेम्प्ट का कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लेसमेंट के टाइम, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्लेसमेंट के टाइम थोड़ा सा लिटिल बिट ना अटेम्प्ट मैटर करता है, क्योंकि आपको डालना पड़ता है कि भैया फाउंडेशन में कितने अटेम्प्ट लगे, इंटर कितना लगा, फाइनल कितना लगा, उस बेसिस पे हो सके आपका सिलेक्शन हो सकता है, उस बेसिस आपको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो जॉब के लिए मैं बोलूंगा, जॉब में कब, जब प्लेसमेंट होता है, सब प्लेसमेंट कब होता है, जब CA बनने बाद है ना, ICAI प्लेसमेंट कराता है आपका, वहां पे हो सके अटेम्प्ट थोड़ा मैटर कर सकता है, अदरवाइज आप पर्सनली जाके विजिट करते हो, कोई मतलब वॉक इन इंटरव्यू देते हो, इधर उधर देते हो, तो वहां पे अटेम्प्ट मैटर नहीं भी कर सकता है, लेकिन जॉब में थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट मैटर करता है। सब प्रैक्टिस में भाई 40 साल बाद भी कोई CA बनता है ना, तो प्रैक्टिस उतनी ही चमकेगी जितनी उसकी अभी चमक सकती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए भैया अटेम्प्ट मैटर नहीं करता, प्रैक्टिस भैया आपका है,
ये आपका बिजनेस है, आपका अटेम्प्ट लगे हो आपके अटेम्प्ट नहीं लगे हो, प्रैक्टिस यहाँ पे भाई आपसे कोई नहीं पूछने का आपके कितने अटेम्प्ट लगे क्या लगे, अपनी चेयर पे बैठ के अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो तो भाई आराम से कर सकते हो, यहाँ पे कोई अटेम्प्ट मैटर नहीं करता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा क्लाइंट बोलेगा सर आपके 10 अटेम्प्ट लगे मैं आपको काम नहीं दूंगा, उसके एक अटेम्प्ट लगे मैं उसको एक काम दूंगा, ऐसा नहीं है, या उसका एक बार सीए निकला था उसको काम दूंगा, ऐसा नहीं भैया, दोनों सीए है यहाँ पे। पर जॉब के लिए थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है जिसके अटेम्प्ट नहीं लगते, ठीक है, मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ, कभी ये गलत भी हो सकता है, बट जॉब के लिए हल्का सा ना प्लेसमेंट में हो जाता है, क्योंकि वो डालते हैं बातें, नहीं डालनी चाहिए कि फाउंडेशन में कितना लगा, इंटर कितना लगा, फाइनल कितना लगा, भाई बन तो गया सीए, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा ना मैटर रह सकता है, बट प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है सीएन प्रैक्टिस तो कोई दिक्कत नहीं है फिर अटेम्प्ट का। सर थर्ड, सर क्या हैंडराइटिंग मैटर करता है? भाई मेरे आटो पेपर के सर्टिफाइड कॉपीज चैनल पे डाल रखे हैं, ठीक है, जाके देख लेना मेरी हैंडराइटिंग कितनी है, हैंडराइटिंग अगर मेरे को 100 में स्केल में दोगे ना तो मेरी हैंडराइटिंग 30 या 40 के बीच में आएगी, एग्जाम से पता नहीं थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ बट ऐसे मेरी हैंडराइटिंग आप देख रहे होगे वाहियात है, ठीक है। तो सर क्या हैंडराइटिंग मैटर करता है थ्योरी पेपर में? क्या बोल रहा हूं मैं, थ्योरी पेपर में सर थोड़ा ऊपर 19-20 मैटर कर सकता है, थ्योरी पेपर में आपको 50 आ रहा है तो आपकी राइटिंग वजह से आपका 52-55 ऐसा हो सकता है, बट सिर्फ थ्योरी पेपर की बात कर रहा हूं सर, थ्योरी इन द सेंस लॉ ऑडिट ये सब पेपर में आपका हैंडराइटिंग थोड़ा सा मैटर कर सकता है, बट सर प्रैक्टिकल में हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता दोस्त, प्रैक्टिकल में हैंडराइटिंग बिल्कुल मैटर नहीं करता, आपका आंसर सही है तो भैया आपको नंबर मिलेंगे वहां पे। सर मेन मैं यहां बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है सीए पेपर में, सर कंटेंट, आप जो लिख रहे हो आपके जो लॉ में प्रोविजंस है आपके जो ऑडिट में स्टैंडर्ड्स है क्या ये मैटर सही है या नहीं है, अगर आपने कंटेंट सही लिखा ना फिर कहीं ना कहीं ये हैंडराइटिंग ढीला पड़ जाएगा, बट कहीं ना कहीं मैं फिर बोलता हूँ कि हैंडराइटिंग आपके है ना थ्योरी पेपर्स में, थ्योरी पेपर कहाँ जहाँ पे लिखने का बात होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर्स होते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल कैलकुलेशन हटा दो, लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, EISSM हो गया आपका, यहाँ पे थोड़ा सा ना हैंडराइटिंग मैटर कर सकता है जैसे ऊपर अटेम्प्ट्स में जॉब में मैटर करता है, ठीक है। तो हैंडराइटिंग थ्योरी पेपर्स के लिए, प्रैक्टिकल के पेपर के लिए हैंडराइटिंग तुम्हारा कैसा भी होना भाई 2-5-4 जैसे लिख रहे हो ना बस सही से लिख लो समझ आना चाहिए, फिर प्रैक्टिकल्स पेपर के लिए हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता, इसलिए मेरे को प्रैक्टिकल्स में अच्छे मार्क्स आए, 85-84 आए हुए हैं, ठीक है, 70+ लगभग सब में था, बट थ्योरी पेपर में वो कम मार्क्स आए क्योंकि राइटिंग मेरा बहुत खराब था, तो राइटिंग मैटर करता है कहीं ना कहीं थ्योरी पेपर में थोड़ा सा, लेकिन कहीं ना कहीं सब मिला के कंटेंट आपका बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सर क्या आर्टिकलशिप हमेशा बिग फोर से करनी चाहिए? क्या सर आर्टिकल सिर्फ बिग फोर से करेंगे तभी कुछ आगे काम होने वाला है, मीडियम से करेंगे स्मॉल से करेंगे कुछ नहीं होगा सर, इट्स ऑल डिपेंड आपके आप पे, सब आप पे डिपेंड करता है सर। सर कैसे? अगर आप बिग फोर से आर्टिकलशिप करते हो तो आगे MNC ये सब जगह आपको जॉब मिलना मोस्टली मैं बोलूँ ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने जहाँ ऑडिट किया था ना वो उनसे मेरी बात होती थी, वो बोलते थे ना हमारे यहाँ बिग फोर से जो आते हैं ना उसको हम जल्दी जॉब दे देते हैं, ऐसा बात हुआ था मेरा जहाँ मैंने ऑडिट करने जाता था, तो बिग फोर से जॉब करने में आपको आगे है ना MNCs में जॉब करना ईजी हो जाएगा, मतलब बिग फोर से अपना अगर आपने अपनी आर्टिकलशिप की। सर बिग फोर क्या होता है? सर डेलॉयट, EY, KPMG ये सब क्या होते हैं बिग फोर फॉर्म्स हैं सीए फील्ड में, अगर यहाँ से आपने आर्टिकलशिप की आपने तो भैया आपके लिए आगे जॉब लेना इजी हो जाएगा, क्योंकि कंपनीज देखती है कि आपने बिग फोर से बंदा है ना बिग फोर में पिस के आया हुआ है तो अच्छे खासे एक्सपीरियंस होगा इसके पास बिग फोर एनवायरमेंट का। तो MNC क्या होती है? MNC कंपनीज होती है, बिग फोर भी कंपनीज है। और सर बेस्ट क्या है बिग फोर में? स्टाइपेंड अच्छा होता है भैया, आपको एक सैलरी पैकेज टाइप मिलता है यहाँ पे 15,000, 20,000, 25,000, तो एक हेल्दी पैकेज आपको मिल जाता है आर्टिकलशिप टाइम में, ठीक है, बट आपको काम भी करवाते हैं अच्छा खासा। सर क्या सर बिग फोर से ही करनी चाहिए? सर क्या बिग फोर से आर्टिकलशिप करेंगे तभी एक अच्छी कंपनी में हमको मिलेगा? मिथ है। हाँ ये देखो यहाँ भी वही चीज है, बिग फोर से करोगे तो मैं बोला ना कि ये मैटर टू मैटर डिपेंड करता है कंपनीज में, जैसे मैं जिस कंपनी में ऑडिट करने जाता हूँ वो साफ बोलते थे हम बिग फोर को इजी लेते हैं, इजली हायर कर लेते हैं, तो बिग फोर से आप अगर ने किया और आपको जॉब करना है, क्या बोला बिग फोर से किया और आपको जॉब करना है ना, आपने सोच लिया कि मैं वहाँ गया जॉब करना, भाई सोच कोशिश करना कि बिग फोर या बिग सिक्स या मान लो जो टॉप 20 है वहां से करने का अपनी आर्टिकलशिप। सर आगे प्रैक्टिस करना है तो भाई प्रैक्टिस करना तो मीडियम फॉर्म स्मॉल फॉर्म आराम से पकड़ना, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मीडियोकर फॉर्म्स स्मॉल फॉर्म जैसे CPs में मान लो लक्ष्मी नगर अच्छी खासी फॉर्म है जहाँ पे आपको GST इनकम टैक्स ROC टैक्स ऑडिट मतलब सर्टिफिकेशंस मतलब मल्टीपल फील्ड्स में काम मिल जाता है, और प्रैक्टिस में हमें मल्टीपल फील्ड्स में ही काम करना है, कंपनीज में ना हमारा डिपार्टमेंट फिक्स हो जाता है, तो अगर आपको आगे प्रैक्टिस करना है ना तो आपको अपनी आर्टिकलशिप सब मीडियोकर और स्मॉल फॉर्म से करनी चाहिए, ठीक है, स्मॉल भी नहीं बोलूंगा मीडियोकर से कर लो बेस्ट होगा, थोड़ा इन्वायरमेंट भी देख लोगे, थोड़ा अच्छे क्लाइंट्स भी देख लोगे, और एक वे आपको सब मिल जाएगा काम सीखने को कि हमारा काम होता क्या है हर फील्ड का अगर प्रैक्टिस करना है तो, अदरवाइज बिग फोर में ना डिपार्टमेंट फिक्स हो जाता है। तो बहुत सारा मैंने देखा कि मैंने कॉल लगाता हूँ बिग फोर फ्रेंड्स को, भाई IDT बता दे GST का इसमें कैसे क्या होगा, वो बोलता भाई मैं स्टॉक ऑडिट में था मेरे को IDT का कुछ नॉलेज नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज है प्रैक्टिकल नहीं है, तो बिग फोर में ना डिपार्टमेंट फिक्स हो जाता है, तो बस बिग फोर आपको जॉब के लिए बेटर रहेगा, आपको टैग लग जाएगा और उस डिपार्टमेंट के लिए आप स्पेशलाइज हो जाओगे,
ठीक है, बट मीडियोकर भाई कर लो अगर आपको प्रैक्टिस करना आ गया तो इसलिए मैंने मीडियोकर से किया था, मेरे को प्रैक्टिस में जाना था। सर फिफ्थ मिथ क्या है, सर पांचवा मिथ क्या है, सर स्टडी आवर आपको 18 घंटा 16 घंटा रखना पड़ेगा क्या सीएम है, कि आपको 16 आवर 18 आवर्स बैठ के पढ़ते जाना है? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप 10 से 12 घंटे मिनिमम 10 लेके स्टार्टिंग में अपना कर सकते हो सर, इंक्लूडिंग कोचिंग आवर्स, ठीक है, 10 से 12 घंटे स्टडी रखोगे आप चलेगा। यहाँ पे ऐसा मिथ है कि 16 घंटे 18 घंटा पढ़ के ही आप सीए बन पाओगे, ठीक है, 10 से 12 आपको करोगे चलेगा। बट एक चीज याद रखना सर, आपका स्टडी आवर और आपका एग्जाम दोनों इनवर्सली रिलेटेड ईच अदर होना चाहिए। मतलब अगर एग्जाम डेज कम हो रहे, सपोज मान लो आप अगस्त में हो, ठीक है, मान लो आप जुलाई में हो, जुलाई में अगर 10 घंटे पढ़ो चलेगा, अगस्त में क्या करो थोड़ा 11 कर दो, सितंबर में 12 कर दो, अक्टूबर में 13 कर दो, नवंबर एग्जाम टाइम भैया 14 घंटे बैठ जाओ। तो स्टडी आवर कोई ऐसा नहीं है फिक्स्ड होता सीए में, जैसे आप एग्जाम पास हो रहा ना थोड़ा थोड़ा सिटिंग आवर्स बढ़ाते जाना। सपोज अभी जून चल रहा तो कोई बात नहीं, आप इंक्लूडिंग कोचिंग आवर अगर आप 8 घंटे भी निकाल लो, मतलब 4 घंटे कोचिंग 4 घंटा रिविजन कर रहे हो या क्वेश्चन बना रहे हो तो काफी 8 घंटे काफी 8 से 10 घंटे, ठीक है। बट जैसे एग्जाम पास रहेगा सितंबर टाइम में बोलूंगा 8 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत बेकार है भाई, सितंबर टाइम में तुम कम से कम 12 घंटे तक पहुंचना चाहिए, अक्टूबर में 13-14 के बीच होना चाहिए। तो सिटिंग आवर डिपेंड करता है आपके एग्जाम कितना क्लोज आ रहा है, ठीक है, चलो मिनिमम 10 से 12 पढ़ रहे हो भाई सफिशियंट है। सर नेक्स्ट, क्या 9, 10, 12 के मार्क्स मैटर करते हैं? इसके लिए मैं बोलूंगा भैया कान पकड़ो बोलो, बिल्कुल मैटर नहीं करते सर। 9, 10, 12 सारे मार्क्स भैया बिल्कुल मैटर नहीं करते सीए में। यहाँ पे 95% का धुरंधर भी ये फेल होता है और यहाँ पे 65% का स्कूल बैक वेंचर भी यहाँ सीए बनता है, ठीक है। 9th में मेरे 54% है, 10th में सीजीपीए था तो मेरे को पता नहीं कि मार्क्स मेरे थे कि भाई स्कूल वाले ने दिए, स्कूल वाले ही देता है 10th में मार्क्स जो भी होता है। 11th मेरे को 66% थे, 12th में पता नहीं क्या करिश्मा हुआ कि मेरे को पढ़ने की थोड़ी लत लगी तो 87% आए। बट मैं अभी बोलता हूँ ये सारे मार्क्स स्वाहा हो जाएंगे अगर आपने सीए में जी जान दम नहीं लगाया तो, ठीक है। तो कहते नहीं है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स और सीनियर है मेरे, ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड और मेरे सीनियर है सर, 95% स्कूल टॉपर स्टेट टॉपर सर, सीए फाइनल के पेपर दे रहे हैं अभी बैठ के, ठीक है, सीए फाइनल्स की पेपर दे रहे हैं। मेरा 12 2017 में क्लियर हुआ था और उनका 12 2014 में है सर, लिटरली स्कूल टॉपर 95%, एक का तो 97% एसआरसीसी इधर उधर सब बेस्ट कॉलेज में जा गए हुए, या मान लो किसी ने कॉलेज में नहीं किया सीए में है लेकिन सबका 95% अब है, सबके अटेम्प्ट लग रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई वो भूल जाओ कि कौन 65 वाला है कौन 95 वाला, अगर तुम्हारे दिमाग में ये बैठ गया ना कि मैं 95 वाला हूँ मैं यहाँ फेल नहीं हो सकता तो भाई तुम गलत हो फिर, ठीक है, तुम ये गलत हो, तुम्हारा ये मिथ निकाल देना दिमाग से कि तुम 95% वालों में यहाँ फेल नहीं हो सकता। भाई यहाँ पे 95% वालों को मैंने रोते देखा है सीए में, अटेम्प्ट लगने देखा और अभी अटेम्प्ट दे रहा हूँ, मेरे से गाइडेंस लेने आते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आपका पेशेंस लेवल चेक किया जाता है। भूल जाओ 12th में कितना आया, 10th में कितना आया, मैं दोनों को बोल रहा हूँ, 65% वाला आप भी भूल जाओ और 95% आप भी भूल जाओ, एक तरह से दोनों न्यूट्रल आ जाओ। अब यहाँ से जिसने मेहनत किया भैया वो सीए बन जाएगा, नहीं तो भैया लटकेगा वो, ठीक है। सर क्या अटेम्प्ट आने बाद रैंक आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। मान लो कभी ये मत सोचना कि आपको फाउंडेशन में अटेम्प्ट लग गया, इंटर में लग गया तो आपको फाइनल्स में रैंक नहीं आ सकते। सर बहुत सारे स्टूडेंट है जिसने फाइनल इंटर फाउंडेशन इंटर में रैंक अटेम्प्ट लगने के बाद फाइनल में रैंक लेके आए, या मान लो फाउंडेशन सीपीटी फेल करने बाद इंटर में रैंक लेके आए। तो सर यहाँ पे सब कुछ बताऊँ, सब एक दूसरे से ना सेपरेट है, फाउंडेशन सेपरेट, इंटर सेपरेट, फाइनल सेपरेट। जिस स्टेज में आप जितनी मेहनत डाल दिए ना, समझ जाना वो स्टेज आपका हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको एक बार अटेम्प्ट लग गया तो आप रैंक नहीं ला सकते, भाई रैंक आप सीए भी क्लियर करोगे एक बार में और रैंक भी लाओगे, ठीक है। चलो सर लास्ट मिथ क्या है मार्केट में, सर सबसे टफेस्ट कोर्स है सर क्या? सही में सबसे टफेस्ट कोर्स है, देखो कोर्स तो थोड़ा टफ है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा 10-12 वाला कि इजी वेजी वाला, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, रिस्पेक्ट टू एवरीवन कोर्स, लेकिन हाँ हल्का टफ है। यहाँ इस कोर्स में आपको ऐसे अप्स आएंगे ऐसे डाउन आएंगे, ठीक है, ये कोर्स है ना रुलाएगा भी हंसाएगा भी, कभी लगेगा आपको सब आता है कभी लगेगा आपको कुछ नहीं आता है। तो सर इस कोर्स में मांगता क्या है? सर सबसे पहले तो आपको अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट करनी चाहिए, आपका रिविजन होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, सर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब सर अगर आप आज पढ़ना स्टार्ट किए हो ना, आपके फाइनल्स एग्जाम नवंबर में है ना, तो एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे आप पढ़ो नहीं। ये नहीं बोलना कि यार यार मन नहीं कर रहा चलना, दो दिन लगातार पढ़ लिया परसों पढ़ेंगे, या मान लो 4 दिन पढ़ लिए चल थोड़ा घूम लेते हैं मूवी देख लेते, नहीं भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा आपको, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा और दिमाग में सोचना पड़ेगा बस मेरे पास 4 महीने बाकी है। सर बहुत दो सोच होता है, अरे मेरे पास 4 महीने हैं यार,
एक का सोच होता है यार बहुत है 4 महीने है मेरे पास, एक का सोच क्या होता है बस 4 महीने ही है, तो आपको वो वाला होना है कि बस 4 महीने ही है हमारे पास। सर थर्ड क्या है, पेशेंस सब मेंटेन करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, अप्स डाउन आएंगे, तो आपको पेशेंस लेवल को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। खुद को शांत करो, मेडिटेशन करो बैठ के, ठीक है 5-10 मिनट है ना एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, पेशेंस लेवल को ना क्लियर करो, शांत करो एकदम, दिमाग को शांत करो कि आप हाँ पेशेंस लेवल बना सकते हो कि हाँ एग्जाम्स आने वाले, मैं रेडी हूँ, मैं प्रिपेयर हूँ, खुद को ना क्या बताऊँ, खुद को ना बताओ कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सर फोर्थ सेक्रीफाइस है, सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज बच्चे लोग बोलते हैं कि सर मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, मैं ये कर लूँ 2 घंटा, मैं 3 घंटा ये कर लूँ, मैं 4 घंटा ये कर लूँ। भाई अगर ये 4 घंटे में तुमने ये किया ना, तो उस 4 घंटे में बगल वाला तुम्हारा पढ़ रहा होगा, तो ऊपर वाला देख रहा है कि भाई उस 30% रिजल्ट में फाउंडेशन में या फाइनल्स के 10% रिजल्ट में ना उसको निकालूं या तुमको निकालूं। तुम उस 4 घंटे में सोच रहे हो कि हम ये एडिशनल कर लेते हैं, उस 4 घंटे में सोचा कि मैं इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेता हूं या मैं इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेता हूं। हाँ देखो मैं क्या बोलता हूँ, 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी का दो, बट उसके ऊपर कुछ तुम्हारा जा रहा है ना दोस्त, और तुम सोचो मैं इस नहीं तो मैं ना पैसे कमा लेता हूँ, तो दो ही चीज कर सकते हो स्टूडेंट हो गए, या तुम पैसे कमा लो या तुम भैया CA बन के आगे रिस्पेक्ट कमा लो, और पैसे भी, ठीक है। तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। टाइम पास नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं भाई, लॉ लेके बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ, अकाउंट्स लेके 10-15 क्वेश्चन लगा लो, टाइम भी पास होगा और सब समझ भी आएगा। तो सिंपल सी बात है, 4 घंटे में अगर वो सामने वाला मेहनत कर रहा है और 4 घंटे में आप इंजॉय कर रहे हो, तो भैया ऊपर वाला देखता है कि आप इंजॉय कर रहे हो ना, तो भाई यहाँ पे आपकी लंका लग सकती है। और लास्ट में ये तो काम आता ही है दोस्त, ब्लेसिंग्स, बिना इसके एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल बोलूंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक ये ना हमारा एक हिडन पावर होता है, ठीक है, पापा मम्मी सबसे कहीं ना कहीं से ये आते रहता है, ये हमारा हिडन पावर होता है जो कहीं ना कहीं हमें ना पावर देता है कि हाँ यार कर सकते हैं, हम इनके लिए कर सकते हैं, और इसी वजह से हम CA बनेंगे, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स उनके साइड से भी आती है, और इससे आपको भी पावर आता है जो आप क्लियर करने के लिए पूरा जी जान लगा देते हो, ठीक है। तो मिथ है, टफेस्ट नहीं है, बट 5 चीज़ आपको चाहिए, आपको क्लासेस टाइम पर होनी चाहिए, रिवीजन देना चाहिए, टेस्ट वेस्ट दिया करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना कि मैं एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा पढ़ाई का, चाहे जो हो जाए, चलो मैं 10 घंटे नहीं पढ़ रहा लेकिन मैं 5 घंटे पढ़ूंगा जरूर। पेशेंस लेवल को भाई शांत रखना बैठ के, सेक्रीफाइस मैटर। भाई अगर तुम बैठ के रूम बंद करके पढ़ रहे हो ना, सामने वाला मूवी देख रहा है ना, तो रिजल्ट वाले दिन रोना मत कि भाई वो पढ़ रहा था और मैं मूवी देख रहा था, ठीक है, लिटरली रोना मत फिर। और लास्ट में ब्लेसिंग तो काम देगा ही, चलो ठीक है। होप सो थोड़ा दिमाग में मिथ होगा वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग बातें और CA रिलेटेड बातें रहेंगी, क्लासेस में डालती रहता हूँ टाइम पे, फाउंडेशन हो गया, इंटर हो गया, फाइनल हो गया, बेस्ट मैं अपने देता हूँ, ठीक है। ये भी ये सब बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि बहुत सारे मिस फैला देते हैं लोग, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, नवंबर 22 आपका है, चलो।